आप सभी जान रहे हैं किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दे रही। इस वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों और प्रशासन के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। झड़प में किसानों की मौत भी हुई और कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन करने के खातिर पुलिस वालों की भी मौत हुई और कई पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की जिद के आगे एक तरफ जहां किसान जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोकने वाले भी किसानों के ही बेटे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मरने और मारने वाले एक ही घर के हैं। इस पूरे मामले को देखकर लग रहा है कि सत्ता सियासत खेल रही है, जिस वजह से किसानों के साथ साथ विपक्ष ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा, केंद्र सरकार किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में उसे इसका फल भुगतना होगा। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहा है और वो उसके लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ लगा हुआ है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में होने वाले सभी बैठकों में खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहे हैं। उन्होंने सभी बैठकों के बाद समाज को पल टू पल की अपडेट्स दी हैं, जिसके साथ बड़ा दिल दिखाते हुए सीएम भगवंत मान ने झड़प में घायल हुए पीड़ित किसानों को सर्वोच्च स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की है। मैं आज एक और नवा फैसला लिया, एम्बुलेंस सारियां ते एसएसएफ दियां सारियां गड्डियां जिन्ने भी बॉर्डर ते किसान ने उत्थे लातियां, ते साडे कोले दो मंत्री ते एमएलए अखां दे डॉक्टर ने, स्पैशलिस्ट ने। राजपुरे दे हस्पताल च मैं इंचार्ज दे तौर ते डॉक्टर चन्नी, डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी जिहड़े चमकौर साहब तों ने, अखां दे डॉक्टर ने, उन्हां दी ड्यूटी लाई है कि तुसीं इत्थे इंचार्ज रहना। डॉक्टर बलवीर खुद अखां दे डॉक्टर ने जिहड़े सेहत मंत्री ने, वो पटियाले च रहणगे। डॉक्टर बलजीत कौर जिहड़े अखां दे मन्ने परमन्ने डॉक्टर ने, उन्हां दी ड्यूटी मैं पात्रां ते खनौरी लाई है, क्योंकि ज़्यादातर केस जिहड़े ने टीयर गैस करके, अथरू गैस दे गोलियां करके अखां दे आ रहे ने। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ, ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਿਪਕਸ਼ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਕਸ਼ ਕਿਆ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਆ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਂ। दरअसल किसानों की मुख्य मांगों में उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी पर कानूनी आश्वासन और कृषि ऋण की माफी शामिल है। दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसान नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल के लिए एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार किसानों की कई मांगों पर सहमति भी जता चुकी है। कुछ मांगे हैं जिन पर केंद्र सरकार अडिग है। यही वो वजह है जिस वजह से किसान आंदोलन जस का तस बना हुआ है, क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मुख्य मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिस वजह से सरकार और किसानों के बीच तनातनी बराबर की बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।